हाय प्रवीण, कैसे हो? आई होप कि दोस्तों आप ठीक ही हैं। तो मैं हूँ आशीष क्रिकेटर 89 टेक्निकल से, और आज हम बात करने वाले हैं एक और धमाकेदार स्मार्टफोन जो कि लुक और डिजाइन के मामले में काफ़ी बढ़िया है। बैटरी बैकअप भी इस फोन में हमें काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है, और इस फोन में दोस्तों हमें प्रीमियम क्वालिटी का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन दोस्तों आसूस की तरफ से आने वाले हैं, और ये फ़ोन आसूस रोग फोन 6 के नाम से मार्केट में लॉन्च होगा। और इस डिवाइस में दोस्तों हमें बहुत सारे फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें एक्सेलेरोमीटर, गायरो अप्रोक्सीमेटी, कंपास सेंसर आदि फीचर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें हमें बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि 5G कनेक्टिविटी, GPS, ब्लूटूथ, वाईफाई, OTG जैसे फीचर्स इस फ़ोन में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर इस फ़ोन की प्राइस के बारे में आपको जानना है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे इस फ़ोन के प्राइस और इस फ़ोन के अदर फीचर्स के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं दोस्तों इस फ़ोन की पूरी डिटेल की ओर। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों अगर इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों हमें 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आमोलेड डिस्प्ले है, और 1080x2448 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया गया है, जो कि 395 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में दोस्तों हमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और बेजलेस इस फ़ोन में हमें देखने को मिलेगा। इस फ़ोन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें मिलता है एंड्रॉयड वी 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर चिपसेट की बात करें दोस्तों, तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट और ऑक्टाकोर 3 GHz का प्रोसेसर। और इस फ़ोन में दोस्तों हमें 8 GB का रैम देखने को मिलता है, तो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस इस फ़ोन में हमें देखने को मिलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ये फ़ोन काफ़ी कमाल का है दोस्तों। फ्री फायर और पबजी जैसे गेम हम इस फ़ोन में काफ़ी स्मूथली खेल सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लेग प्रॉब्लम इस फ़ोन में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर इस फ़ोन की कैमरा की बात करें दोस्तों, तो इसमें काफ़ी कमाल का कैमरा हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन की रियर कैमरा से। रियर कैमरा में प्राइमरी कैमरा दिया गया है दोस्तों 64 MP का, 16 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, और 5 MP का दोस्तों इसमें माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। इस फ़ोन में दोस्तों हमें LED फ्लैश की सुविधा दी गई है, और इस कैमरा से दोस्तों हम फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस फ़ोन की फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, इसमें हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 32 MP का दिया गया है, और इस कैमरा से दोस्तों हम फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैमरा के मामले में ये फ़ोन काफ़ी कमाल का है दोस्तों, इसमें हमें काफ़ी बढ़िया कैमरा देखने को मिल रहे हैं। बैटरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें 6000 mAh का बैटरी दिया गया है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ में दोस्तों हमें USB Type-C पोर्ट इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर इस फ़ोन की दोस्तों स्टोरेज की बात करें, तो इसमें हमें 128 GB का इंटरनल मेमोरी देखने को मिलता है, जो कि नॉन एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ हमें देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन दोस्तों हमें 59,999 रुपये में देखने को मिलेगा। और इस फ़ोन की अगर रिलीज डेट की बात करें दोस्तों, तो ये फ़ोन हमें मार्च के अंतिम सप्ताह तक में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।